श्री अकाल तख्त साहिब तो माफ़ी मिलन तो बाद आज गुरदासपुर के पिंड गुरदास नंगल दे गुरद्वारा साहिब विखे साबका मंत्री सुच्चा सिंह लंगा वालों शुकराना समागम करवाया गया, जिस विच वड्डी गिणती विच अकाली वर्कर अते लोग शामिल होन। इस मौके ते सुच्चा सिंह लंगा ने कहा कि अकाली दल इस वक्त बड़े माड़े समय विचों लंघ रहा है। अकाली दल नूं केंद्र दीआं एजेंसियां ने घेरिया होया है अते इस मुसीबत की कड़ी विचों अकाली दल नूं मजबूत करन दे लई एक सिपाही बन के काम करनगे। कोटकपुरा गोलीकांड की चार्जशीट विच सुखबीर सिंह अते प्रकाश सिंह बादल नूं नामजद करन ते बोलदे हुए सुच्चा सिंह लंगा ने कहा कि कोई भी सिख गुरु की बेअदबी नहीं कर सकता। ये कुछ लोग हैं जो झूठ का पलंदा बना के अकाली दल नूं बदनाम करना चाहते हैं। इस मौके पर उन्होंने अजनाला विखे वापरे घटनाक्रम ते कहा कि अमृतपाल उपर कोई भी टिप्पणी नहीं करना चाहते। अज का जिहड़ा समागम है गुरदास नंगल बाबा बंदा सिंह बहादुर जी के स्थान पर अखंड पाठ करवा के गुरु का धन्यवाद किया वा कि एक मुसीबत विचों निकल के बाहर आए हैं। मैं संगत का भी धन्यवाद करना वा जिहड़े सवेर तो ही लामडोर लगी हुई है, तकरीबन पुराने अकालियों तो लैके नौजवानों तक 10,000 लोग जिहड़े ने वो गुरद्वारा साहब विच मत्था टेकन आए ने। बतौर अकाली दल दे वर्कर होंदे होया मैं उन्हां दा सारिआं दा धन्नवाद करना वा। मैं जिथे इस वेले अकाली दल नूं बहुत वड्डियां एजेंसियां ने घेरा पाया होया वा, इस मुसीबत की घड़ी विच छाती डाह के काम करांगा बतौर अकाली दल दा सिपाही। मैं पहला इस तो भी थले अकाली दल एक बार चला गया सीगा, सरदार प्रकाश सिंह बादल ने साडे जिले विचों जयदार सेवा सिंह सेखवां निर्मल सिंह कालों बलवीर सिंह बाठ दास ने बहुत वड्डी मेहनत की। उस वेले उंगलों ते गिणन वाले अकाली दल विच रह गए सीगे अमृतसर तो डॉक्टर रतन सिंह ते अपने ब्रह्मपुरा साहब कुहाड़ साहब कुलदीप सिंह वडाला प्रकाश सिंह मजीठा एक जरनैलां वांग सरदार प्रकाश सिंह बादल दे नाल खड़े हो गए। जदों के अकाली दल दी मुढ़ली इकाई तक दे लोग छड के चले गए सी इन्हां ने मेहनत कीती तां ही सारिआं ने दो बार असी अमृतसर गुरदासपुर तो 100% रिजल्ट दिता ते सरकार बनाउण विच बादल साहब दी कामयाब रहे। अज मैं समझना उस सरकार बनाई हुई नहीं लंबा समा जिहड़ा वा बादल साहब नूं शक्ति दित्ती राज करन दा मौका दिता। अज उन्हां उस टीम दे विचों मैं समझना ही 2-3 जणे ही रह गए हाँ, बाकी सारे जिहड़े इस संसार तो चले गए ने। मैं हुण अपनी रहिंदी जिंदगी पुराने लीडरां नूं घरां विच बैठिआं नूं उन्हां नूं छाती नाल लावांगा, उन्हां दे चरणां दा ओट आसरा लवांगा ते 35 साल तो जिले दे जिहड़े प्रधान बणे ने नौजवान यूथ उह सारे दे सारे मेरे नाल चट्टान वांग अज भी खड़े ने इत्थे आए ने। जिला परिषद 2 वारी चेयरमैन बणे ने उह भी इस संगत दे विच आए ने। मैं समझना कि जिहड़ी आउण वाली साडी पनीरी है SDPC मैंबर साडे नाल ने आउण वाली जिहड़ी पनीरी है उह सारी दी सारी जिहड़ी है चट्टान वांग मैनूं तोरन वास्ते तत्पर ने ते मैं बिल्कुल तंदुरुस्त हाँ। मैनूं कुछ चाहीदा नहीं गा भाई, मैनूं कोई लालच है। मैं अकाली दल दे नाल ते बिपता वेले सरदार सुखबीर सिंह बादल दी पिट ते खड़ा होवांगा। जिहड़े ध्यान सिंह डोगरे इन्हां नूं आपो च पाड़दे ने जां गलत सलाहां देंदे ने उन्हां नूं किसे कीमत ते बर्दाश्त नहीं करांगा। उन्हां नूं इन्हां एजेंसियां नूं बादलां दीआं लत्तां खिच्चण तों ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਾਤੀ ਡਾ ਕੇ ਪਛਾਣ ਲਾ। ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਡੋਗਰਾ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਹੜੇ ਉਹ ਐਸੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਹੜੇ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਡੋਗਰਾ? ਇੱਕੋ ਹੀ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਡੋਗਰਾ ਵਾ ਜਿਨੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਵਾਲੀ ਗਲਤੀ ਕਰਾਈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ
साड़ी सारयां दी सलाह लैंदा सी, लेकिन मर्जी वो अपनी करदा सी। जदों किसे वर्कर दी सलाह दे उत्ते मर्जी कोई प्रधान साहब कर लैंदा तो वह मैं समझना कि वह फैसला गलत हो जाता। इस करके सुखबीर सिंह बादल नूं ताकत देने की लोड़ है। एक ऐसा परिवार है जिहड़ा अज तक खरीदया नहीं गया ते जिन्हां नूं 5-6 वार पंजाब दे लोकां ने वाकडोर दित्ती है। अज भी मैं समझना वा सेंटर हमेशा ही अकाली दल के खिलाफ रहा वा। अज भी सेंटर मार देना चाहुंदा अकाली दल नूं ते उहदियां एजेंसियां कम कर रही, चाहे सेंटर विच मुगलां दा राज है, चाहे कांग्रेस का राज है, तो चाहे किसी होर दा राज है। अज भी वह एजेंसियां जिहड़ियां अकाली दल नूं मारन वास्ते जिहड़ियां तत्पर ने। लंगा जी कहिंदे ने कि माड़े समय च चंगे दा ते माड़े दा पता लगदा, तुहाडे माड़े समय च की कुछ तुहानूं फिर रिहा एक्सपीरियंस माड़े चंगे? मैं माड़े समय में सिर्फ रब दा मैनूं ओट आसरा रहा वा, मैनूं डोलन नहीं दिता ना, मैं कमजोर होया वा ते मैं हमेशा चढ़दी कला विच रहा वा। और मैं समझना कि जिन्ना मेरा अपने ने नुकसान किया उन्ना मेरी कांग्रेस ने मेरा नुकसान नहीं किया। बैबल कला गोलीकांड दे विच हुण नामजद किया गया वा प्रकाश सिंह बादल, सुखबीर सिंह बादल की कहोगे? कोई भी दुनिया का सिख जिहड़ा वा वह गुरु की बेअदबी नहीं कर सकता, ना बेअदबी कहण वालियां नूं कोई सलाह दे सकता वा, सुर दे सकता। प्रकाश सिंह बादल नूं रब की मर्जी तो बगैर कोई पिंड का मैंबर पंचायत नहीं बनता, कोई सरपंच नहीं बनता। इन्नी वार मुख्यमंत्री बनाया वा, अजिहा लोग जिहड़े ने ओ मैं समझना कि एवें झूठे पलंदे बन रहे ने। इस बिपता विच्चों इन्हां ने तगड़िया होकर निकलना वा, एजेंसियां ने वाड़िया वा, इन्हां ने इस बिपता दे विच्चों एक लीडर बन के निकलना वा। कख नहीं विगड़ना और उन्हां नूं मूँह दियां खाणियां पैणगियां जिहड़े लोग उन्हां दा भंडी प्रचार करदे ने। अमृतपाल बारे मैं कुछ नहीं लगदा तुहानूं हुण अकाली दल नूं इकट्ठा करन लई पुराणे फिर अकाली दल नूं इकट्ठा होना पऊगा, क्योंकि अकाली दल दे जिस हिसाब नूं हुण इस वेले चल रहा लोकां दे विच ग्राफ काफ़ी डिग्गा होया। मैं समझना वा इक्को गल मैं कहनी चाहुंदा, प्रकाश सिंह बादल दी उम्र वध गई है ते हाईकमान नूं सरदार प्रकाश सिंह बादल दी सलाह लैनी चाहीदी है। अकाली दल चढ़दियां कलां च। धारीवाल तो पत्रकार राजेश पंडित की रिपोर्ट, KRT न्यूज़ नेटवर्क।